नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, राजस्थान सरकार की योजनाओं की सीरीज में ये हमारा 16वां लेसन है और इसमें हम बात करेंगे चार योजनाओं के बारे में। चारों योजनाओं के नाम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, राज ऐप सेंटर, राज गेम सेंटर और SSO राजस्थान। दोस्तों, मैं इस लेसन में पहले ही आपको बता देता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट योजना जो आज के लेसन की है वो है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। अब बाकी की जो तीनों योजनाएं हैं या इनिशिएटिव्स, इनको कह लीजिए राज ऐप सेंटर, राज गेम सेंटर या SSO राजस्थान, इन तीनों को तो आप केवल एक नजर देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, इनकी रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, है ना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, इसे जरूर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आज के लेसन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेसन और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के बारे में। तो दोस्तों, ये योजना किस लिए है? ये योजना है मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए, और वित्तीय सहयोग भी अच्छा खासा मिलता है इन मेधावी छात्राओं को, जिन मेधावी छात्राओं का चयन होता है इस योजना के तहत। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, बड़े ही ध्यान से देखिएगा इस योजना को। अब दोस्तों, मेरे को वैसे कहीं पर अच्छे तरीके से कहीं पर यह छपा हुआ नहीं मिला, किसी सरकारी वेबसाइट पर दिया तो हुआ है लेकिन क्लियर नहीं होता है ना, समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आज लिखकर आपको बताने की कोशिश की है। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना क्या है दोस्तों? ये 2015 में लॉन्च की गई थी योजना। ठीक है, 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और 2016 में इस योजना का किया गया विस्तार। ठीक है, तो विस्तार में क्या किया गया दोस्तों? पहले क्या किया जाता था कि हर जिले से, राजस्थान में 33 जिले हैं, तो हर जिले से 10वीं क्लास की 2 टॉपर लड़कियों का चयन किया जाता था। ठीक है, यानी कि पूरे राज्य में से 66 मेधावी छात्राओं का चयन होता था और उनको मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता था। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए उनको वित्तीय लाभ दिया जाता था। ठीक है, और इसमें भी शर्त दोस्तों ये रही है कि जिन दो टॉपर छात्राओं का चयन होगा, जो जिले में टॉपर होंगी, उनके न्यूनतम अंक कम से कम 75% तो होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया जिले में दोनों लड़कियां टॉपर हैं लेकिन उनके जो अंक हैं वो 75% से भी कम हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कम से कम 75% तो इनके अंक होने चाहिए और जिले में ये टॉपर होनी चाहिए, मतलब लड़कियों में से टॉपर होनी चाहिए। ठीक है, यूं नहीं है कि लड़के और लड़कियों सभी में से मिलाकर लड़कियों को टॉपर होना जरूरी है, मतलब कुल मिलाकर जितनी लड़कियां एग्जाम दे रही हैं उन लड़कियों में से जितनी लड़कियां टॉपर हैं, ठीक है, तो 2 टॉपर लड़कियों को चुना जाता था। पहले ये योजना थी लेकिन 2016 में विस्तार किया गया और एक बेटी का चयन और किया जाने लगा, एक छात्रा का चयन और किया जाने लगा, यानी कि अब हर जिले से 3 मेधावी छात्राओं का चयन होता है। ठीक है, तो ये जून 2016 से शुरुआत हुई। ठीक है, तीसरी लड़की कौन सी दोस्तों? तीसरी लड़की वो होगी जो जिले के किसी बीपीएल परिवार की छात्रा होगी। ठीक है, यानी कि बीपीएल छात्राएं जितनी भी हैं, मतलब मान लीजिए मेरा हनुमानगढ़ जिला है तो हनुमानगढ़ जिले में जितने भी बीपीएल परिवार हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी लड़कियां 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं और उनमें से जो लड़की टॉपर निकलेगी, ठीक है, उसको भी मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि बीपीएल परिवार की टॉपर छात्रा को भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, उसका भी चयन होगा। इस तरह से एक जिले में से 3 छात्राओं का चयन होगा और पूरे राजस्थान में से 99 छात्राओं का चयन होगा, इनको मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत लाभ दिए जाएंगे। इस बीपीएल परिवार की टॉपर छात्रा को भी वही समान लाभ दिए जाएंगे जो पहले वाली जो 2 टॉपर छात्राओं को दिए जा रहे थे। ठीक है, जो पहले की दोस्तों जो ये 2 टॉप छात्राएं हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक ही वर्ग से चुनी जाए, किसी भी वर्ग से चुनी जा सकती हैं, बस टॉपर होनी चाहिए ये, है ना। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या है, ये तो बात हम कर ही चुके हैं कि 99 छात्राओं का चयन होगा, लाभ किस तरह से मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यही है, इस पॉइंट को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि लाभ किस प्रकार से मिलेंगे। अब दोस्तों, 10वीं क्लास में इन छात्राओं ने टॉप कर लिया है। ठीक है, 3 छात्राएं हर जिले से मिल गई हैं, 99 छात्राएं राजस्थान में मिल गई हैं। जैसे ही ये छात्राएं 11वीं में आएंगी और 12वीं में आएंगी, ठीक है, तो इनको 15,000 रुपए वार्षिक एकमुश्त राशि दे दी जाएगी
अपनी 11वीं या 12वीं क्लास की किताबें खरीदने के लिए, यूनिफॉर्म वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, यानी कि दोनों सालों में 15,000 रुपए दिए जाएंगे किसके लिए, किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, और ये राशि दोस्तों एकमुश्त दी जाएगी इनको, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों और इनको क्या लाभ दिए जाएंगे, और इंपॉर्टेंट लाभ ये है कि 11वीं 12वीं कक्षा में ही इन छात्राओं को जो दूसरे लाभ दिए जाएंगे वो ऐसे हैं कि अगर ये छात्राएं जो हैं किसी दूर किसी छात्रावास में रहती हैं या कोचिंग करती हैं किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, अगर ये कोचिंग करती हैं, है ना, मान लीजिए कि इन्होंने आरएएस की कोचिंग शुरुआत से ही 12वीं से ही शुरू कर दी या 11वीं से ही शुरू कर दी, या पीएमटी की कोचिंग शुरू कर दी, नॉन मेडिकल की कोचिंग शुरू कर दी, तो जो भी ये कोचिंग कर रही हैं उनका खर्चा भी इनको दिया जाएगा। अगर ये किसी खेलकूद का प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं तो भी इनको खर्चा दिया जाएगा। मतलब कितना दिया जाएगा, अधिकतम 1,00,000 रुपए तक का खर्चा दोस्तों इनको दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 11वीं कक्षा में कोचिंग या छात्रावास में किसी लड़की का खर्चा 1,00,000 रुपए तक आ गया है ना, तो इनको वो 1,00,000 रुपया दे दिया जाएगा। अब डायरेक्ट इन लड़कियों को नहीं दिया जाएगा दोस्तों, वो इनके कॉलेज में या इनका जो स्कूल होगा इनके स्कूल के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये योजना काम करेगी, अधिकतम 1,00,000 तक दिए जाएंगे। अब दोस्तों ये राशि 1,00,000 से कम भी हो सकती है, मतलब जितना इन लड़कियों का खर्च होगा, इन छात्राओं का खर्च होगा, अगर इन छात्राओं का एक साल में 50,000 तक खर्च होता है तो वो 50,000 ही दिए जाएंगे, 50,000 इनके बैंक स्कूल के या कॉलेज के बैंक खाते में जमा करवाए जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये योजना काम करती है, ठीक है। तो ये 11वीं और 12वीं क्लास में जो लाभ मिलने हैं ये उन लाभों का जिक्र है, ठीक है। आगे जब ये छात्राएं दोस्तों 12वीं क्लास को पार कर जाएंगी, ठीक है, कक्षा 12 के बाद लाभ किस तरह से दिए जाएंगे, स्नातकोत्तर तक लाभ दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों जब ये छात्राएं मास्टर्स डिग्री करेंगी तब तक इनको लाभ दिए जाएंगे, है ना, MA, MSc, MCom, मतलब जहां तक ये छात्राएं मास्टर्स डिग्री करेंगी वहां तक इनको लाभ दिए जाएंगे। तो कक्षा के 12 के बाद दोस्तों इनको 25,000 रुपए वार्षिक, यानी कि 25,000 प्रतिवर्ष दिए जाएंगे किताबें स्टेशनरी या यूनिफॉर्म वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है। ये तो दोस्तों इनको दिए जाएंगे एकमुश्त, जैसे 11वीं 12वीं में 15,000 एकमुश्त दिए जा रहे थे, ठीक है। तो ये 25,000 तो इनको हर वर्ष एकमुश्त दिए ही जाएंगे। अब इनके अलावा दोस्तों, इनके अलावा जो लाभ है वो इस तरह से है, जैसे ये कक्षाएं कक्षा 12 को क्रॉस करेंगी, मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर में आई या बीएससी फर्स्ट ईयर में आई, तो इनको किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, अगर ये छात्राएं कोचिंग लेती हैं, ठीक है, या छात्रावास में रहती हैं, खेलकूद का प्रशिक्षण लेती हैं, तो उनमें जितना भी खर्चा आएगा दोस्तों, तो 2,00,000 रुपए तक का वार्षिक खर्चा सरकार इनका उठाएगी, ठीक है, 2,00,000 रुपए तक का। अब चाहे तो इनका एक साल में 2,00,000 रुपए खर्चा हो जाए, ठीक है, या चाहे साल के अंदर इनका 1,50,000 रुपए खर्चा हो जाए, मतलब 2,00,000 रुपए तक का खर्चा इनका सरकारें उठाएंगी। 2,00,000 से ऊपर अगर खर्चा होता है तो 2,00,000 से ऊपर जितना भी खर्चा है दोस्तों वो सरकार नहीं उठाएगी, ठीक है। तो 2,00,000 तक का खर्चा इनका वार्षिक सरकार उठाएगी कक्षा 12 के बाद स्नातकोत्तर तक, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने तक। तो देखिए दोस्तों कितना फायदा हो रहा है इन छात्राओं को, क्योंकि दोस्तों इन छात्राओं ने 10वीं क्लास में डटकर पढ़ाई की थी और उसके बाद लगातार देखिए अब 7 साल तक इनको फायदा होता है, कक्षा 11 से इनको फायदा मिलना शुरू होता है और स्नातकोत्तर डिग्री तक इनको फायदा होता है, कक्षा 11 12 और उसके बाद मास्टर्स डिग्री तक, तो लगभग 7 साल तक इनको फायदा मिलता है सरकार की ओर से, ठीक है। तो इनकी जो उच्च शिक्षा होती है दोस्तों इन मेधावी छात्राओं की, वो काफी आसान हो जाती है, कम से कम वित्तीय समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ता, ठीक है। और दोस्तों वही बात मैं फिर से ये नोट के जरिए मैं बता दूं कि ये जो अतिरिक्त ये जो भुगतान होता है, ये जो कोचिंग वाला, छात्रावास वाला, खेलकूद प्रशिक्षण वाला, ठीक है, चाहे वो 11वीं 12वीं में हो, चाहे वो 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज स्तर पर आकर हो, ये भुगतान संबंधित शिक्षा संस्थाओं के बैंक खाते में जाता है, इन छात्राओं को डायरेक्ट सीधा नहीं दिया जाता, कोई नगद नहीं दिया जाता इन छात्राओं को, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छी ही बात है ना, ताकि मतलब जो हमारा टारगेट है, जो सरकार का टारगेट है, उसी टारगेट के अनुरूप पैसा दिया जाता है ना। तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दोस्तों इस तरह से ये योजना काम करती है और बहुत ही अच्छी योजना है मेरे ख्याल से। आप वापस अगर देखना चाहे तो दोबारा इस योजना को देखिए, मुझे इस योजना को समझने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब आपके सामने बिल्कुल सही तरीके से ये योजना मैंने प्रस्तुत की है, ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारी अब दूसरी योजना की बात करते हैं, अब योजना ना कहें चाहे इसको इनिशिएटिव कह लीजिए, ये है दोस्तों राज ऐप सेंटर, ठीक है। तो राज ऐप सेंटर क्या है,
यह राजस्थान सरकार की विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन राज ऐप सेंटर पर एक ही जगह पर उपलब्ध है। ठीक है, तो राज ऐप सेंटर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एक ही जगह पर राजस्थान सरकार की सभी मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएंगी। ठीक है, इसे एंड्रॉइड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन में एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों राज ऐप सेंटर जो है ये मुझे मिला नहीं ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न आ जाए आपके सामने तो आप इतनी सी जानकारी आपके लिए बहुत है कि सभी मोबाइल एप्लीकेशन राजस्थान सरकार की एक ही जगह पर मिल जाती हैं, एक ही ऐप सेंटर के ऊपर मिल जाती हैं, तो इसे कहते हैं राज ऐप सेंटर। ठीक है, तो इस योजना या इस इनिशिएटिव के लिए इतना ही, यही एक स्लाइड है। आगे दोस्तों राज गेम सेंटर, ठीक है, तो ये आज की हमारी है तीसरी योजना या तीसरा इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें 3D गेम्स के माध्यम से राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतों के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। 3D गेम्स होंगे राज गेम सेंटर के ऊपर और उनमें राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। शायद 3D तरीके से आपको दिखाई देंगी राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतें। राज गेम सेंटर को एंड्रॉइड मोबाइल में वही बात गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन में एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वही बात दोस्तों एक बार फिर से कि मुझे ये राज गेम सेंटर भी गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिला। बाकी वही बात है कि अगर सवाल कोई आ जाए आपके सामने तो आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने ये स्लाइड ली है। ठीक है, आगे अब आज की हमारी ये जो चौथी योजना है ये तो दोस्तों अब हर कोई जानता है SSO, है ना। अब ये SSO के बिना तो हम लोग अपना RPSC RAS का फॉर्म भी नहीं भर सकते, है ना। SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन, है ना। तो सिंगल साइन ऑन ये पोर्टल है दोस्तों, सरकार ने विभिन्न सरकारी एप्लीकेशंस एक ही जगह पर सिंगल साइन ऑन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी है। ठीक है, तो सिंगल साइन ऑन ये है SSO.rajasthan.gov.in पर आपको रजिस्टर करके एक ही यूजर नेम और पासवर्ड से सारी सेवाएं मिल जाएंगी। ठीक है, आपको एक ही यूजर नेम भरना पड़ेगा और एक ही पासवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या करेंगे, अगर आपको दोस्तों ई मित्र की सुविधा चाहिए तो वो भी आपको यहीं पर SSO पर मिल जाएगी। अगर आपको राजस्थान संपर्क के ऊपर कोई शिकायत करनी है किसी विभाग की तो भी दोस्तों आपको SSO ID से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, या कोई भी आपने राजस्थान की किसी भी योजना का अगर आपने फायदा उठाना है तो केवल एक ही चीज है, SSO ID बनाइए अपनी और SSO के अंदर आपको सभी अलग अलग पोर्टल्स राजस्थान की सभी चीजें मिल जाएंगी। अगर किसी ने अनुप्रति योजना का लाभ उठाना है तो दोस्तों उसको भी क्या कहते हैं यही SSO पोर्टल के ऊपर अपनी ID बनानी पड़ेगी, है ना। एक ही यूजर नेम बनेगा, आप ये तमाम लाभ एक ही जगह पर ले सकते हैं, ई मित्र, संपर्क, अनुप्रति और भी तमाम तरह के। ठीक है, तो ये दोस्तों खैर इस तरह का है कुछ, है ना, राजस्थान सिंगल साइन ऑन। तो यहां पर लिखा है कि 1 Digital Identity फॉर ऑल एप्लीकेशंस, और इसके बारे में ज्यादा बताने की मुझे जरूरत है नहीं क्योंकि इसी से हम लोग इस बार अपना फॉर्म भी भर रहे हैं RAS का, है ना। तो दोस्तों यही आज का लेसन है और एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप लोग भटनेर IAS से सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो भटनेर IAS के अबाउट सेक्शन में जाइए, भटनेर IAS चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और यहां पर आपको तमाम लिंक मिल जाएंगे। भटनेर ये भटनेर IAS फेसबुक पेज, भटनेर IAS फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, तमाम लिंक आपको मिल जाएंगे। आपको केवल इनको क्लिक करना है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से दोस्तों आपको काफी फायदा होगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आखिर में एक अपील कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी लोग लेसन्स को देखते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग दोस्तों इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। ठीक है, बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई नोटिफिकेशन ना मिले और हो सकता है कि आपका लेसन मिस हो जाए। तो दोस्तों यही है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा है तो। धन्यवाद दोस्तों।